मेरा नाम सोफिया है और मैं अपने मॉम डैड और अपने छोटे भाई के साथ मनाली में रहती हूँ। बाकी जो भी बाहर के लोग यहाँ पर रहने आते हैं उन्हें यहाँ कर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, पर हम लोकल के लिए ये जगह बहुत नॉर्मल सी है और हमें ये जगह बहुत पसंद भी है। पर हम यहाँ की एक चीज़ से तो परेशान रहते ही हैं कि यहाँ पे ठंड बहुत होती है, इसलिए मैं और मेरी फैमिली हम बस हर साल वेट करते हैं कि कब गर्मियाँ आए और फिर हम अपने नाना नानी के घर चंडीगढ़ जाएं। वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। वो थोड़ा जंगल के पास है, पर वहाँ जाने पर नेचर क्या होता है वो तुम्हें और अच्छे से पता चल जाता है। जो घटना आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इसी फार्म हाउस में हुई थी मेरे और मेरे भाई के साथ। मेरे भाई का नाम सार्थक है। हम दोनों बेसब्री से बस वेट करते हैं कि कब गर्मियों की छुट्टी आए और हम अपने नाना नानी के साथ जाके रह सकें। ये घटना हमारे साथ इसी साल की गर्मी की छुट्टियों में हुई थी। मेरे और सार्थक के एग्जाम्स बस ख़त्म ही होने वाले थे और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम चंडीगढ़ जाने वाले थे। हम सब बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दिन के लिए जा रहे थे, तो हमने पैकिंग भी बहुत टाइम पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। मम्मी और मैंने रास्ते के लिए स्नैक्स वगैरह बनाए थे और कुछ शॉपिंग भी की थी रास्ते के लिए। देखते ही देखते हमारे एग्जाम्स भी ख़त्म हो गए और हमारा चंडीगढ़ जाने का दिन भी पास आ गया। मैं और सार्थक तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि चंडीगढ़ जाने से गैजेट्स या मोबाइल क्या होता है हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम बस वहाँ नेचर के मज़े ही लेते हैं। और हमारे नाना नानी भी हमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तो उनसे मिलना जुलना हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एक दिन के ट्रैवल के बाद हम सब चंडीगढ़ पहुँच गए थे और हम सब नाना नानी से मिलके बहुत ज़्यादा ही खुश थे। उन्होंने हमारे लिए बहुत टेस्टी सा खाना बनाया था और हम सब ने उस रात बहुत सारी बातें की और मस्ती की। उनके साथ दो दिन रहने के बाद हम सब ने डिसाइड किया था कि हम बाकी के दिन फार्म हाउस में गुजारेंगे, और मैं और सार्थक तो बस यही चाहते थे कि हम कब फार्म हाउस जाएंगे, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा है और वहाँ बहुत मज़े आते हैं। वो घर सामने से जितना खूबसूरत है उतना पीछे से भी है, और हमारे घर के सामने भी गार्डन है और पीछे भी बहुत प्यारा सा गार्डन है। हम सब ने फटाफट वापस से पैकिंग की और रास्ते के लिए कुछ नाश्ता बनाया। उसके बाद हम सब फार्म हाउस के लिए निकल गए। करीब दो घंटे रोड ट्रैवल के बाद हम अपने फार्म हाउस पहुंच गए थे। हमारे दो दिन वहाँ कब इतना अच्छे से बीते हमें पता ही नहीं चला। हम सब जंगल में जाते थे, वॉक करते थे, बॉनफायर करते थे, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन चल रहा था। मैंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही था और बहुत परफेक्ट था कि तभी अचानक से नानी की तबीयत खराब होने लगी थी। जैसा मैंने बताया कि हमारा घर जंगल के पास था, तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती थी रात को, और इसी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। एक दिन तक हमने सेल्फ मेडिकेशन किया और उसके बाद भी देखा तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो रही थी। तब मॉम डैड ने डिसाइड किया कि नाना नानी को लेकर हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो उसी दिन था जिस दिन हमारे साथ वो घटना घटी थी। उस दिन रात के 9 बज रहे थे और उस वक्त मम्मी पापा नाना नानी को लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। उन्होंने हमें समझाया कि हम किसी के लिए भी डोर ओपन ना करें और बाहर तो बिल्कुल भी ना जाए। उनके जाते ही मैं और सार्थक बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। हम तुरंत ही अंदर आए, दरवाज़ा लॉक किया और फिर टीवी के सामने बैठ गए। हम टीवी देख रहे थे कुछ खाते खाते। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ और खाया जाए, तो हम किचन में चले गए। हमने वहाँ मैगी बनाई। हम दोनों फटाफट मैगी बनाकर हॉल में लेकर आए और फिर हमने इक्वली उसे डिवाइड किया। उसके बाद फिर हम मैगी खाते खाते वापस से टीवी देखने लगे कि तभी सार्थक ने मुझसे कहा कि क्या मुझे याद है वो खुफिया जगह जो हमारे रूम में है, और मैं उस बारे में बिल्कुल भूल गई थी। लेकिन जब उसने मुझे इस बारे में याद दिलाया तो मैंने उसे कन्विंस किया कि हम अभी उस जगह को जाकर देखते हैं। वो एक सीक्रेट रूम है जो हमारे रूम के सीलिंग पर है। हमने एक डंडे में हुक लगाया था और उस हुक को हम उस दरवाजे में फंसाते हैं, उसके बाद फिर वो दरवाज़ा खुलता था और फिर सीढ़ियाँ नीचे आती थी। तो हम उस सीढ़ी से ऊपर गए और हम बस उसी जगह को देख रहे थे कि तभी हमने डोरबेल सुनी। मैं और सार्थक थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए थे क्योंकि हमारे घर के आसपास ज़्यादा कोई घर थे नहीं और मॉम डैड इतना जल्दी आ नहीं सकते थे। अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था। हमें लगा था कि उन्हें आते तक करीब 11:30 कुछ हो जाएगा। हम फौरन ही भागते हुए नीचे गए और दरवाजे के पास खड़े हो गए। जब मैंने पीक होल से पिक किया तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो मैंने सार्थक को कहा कि बाहर तो कोई भी नहीं है,
और तब सार्थक ने कहा कि क्यों ना बाहर जाकर देखा जाए। तो मैंने उसे मना कर दिया कि हम बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। तब सार्थक ने बोला कि लाओ मैं देखता हूँ कौन है। और जब उसने दरवाजे से बाहर देखा तो वह बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से डर गया। एक अजीब सा जंगली आदमी हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ था। जब सार्थक ने उसे अचानक से देखा तो उसकी धड़कनें बहुत बढ़ गई थी और मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या हुआ है। तब उसने मुझे इस बारे में बताया। हम दोनों बहुत घबरा गए थे क्योंकि मॉम डैड भी हमारे साथ नहीं थे। हमने घबराते हुए उससे पूछा कि आप कौन हो और आपको क्या चाहिए। उसने बहुत बेचारा बनकर हमसे बात की और कहा कि वो बहुत ज़्यादा ही प्यासा है और उसे पानी की ज़रूरत है। मैं किसी भी हालत में उसे घर के अंदर आने नहीं दे सकती थी, तो मैंने उससे कहा कि बाहर गार्डन है और वहीं पर एक नल भी है, आप वहां से पानी पी सकते हैं। तब उसने कहा कि वो बहुत समय से जंगल में चल रहा है, उसे प्यास के साथ साथ बहुत भूख भी लगी है और वो हमसे कह रहा था कि हम उसे कुछ खाने के लिए दे दे। हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे और ऊपर से वो बहुत अजीब भी दिख रहा था। वो हमसे बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहा था। तब सार्थक ने मुझसे कहा कि तुम कब से इतनी रूड हो गई हो, वो कब से हमसे खाना मांग रहा है। और ऐसा कहकर वो गुस्से में हॉल की तरफ गया और अपने प्लेट में जो मैगी रखी थी वो लाकर वो उसे देना चाहता था। सार्थक ने हल्का सा दरवाज़ा खोला जिसके लिए मैंने उससे मना किया था, लेकिन उसने दरवाज़ा खोलकर उस आदमी को वो मैगी दी। वह आदमी सार्थक को थैंक यू कह रहा था और उसे बाहर आने के लिए कह रहा था, पर मैंने सार्थक का हाथ पकड़ा हुआ था कि तुम बाहर नहीं जाओगे। जब सार्थक और मैं इसी बारे में बात कर रहे थे तब हमने अचानक से देखा कि वो पागल आदमी हमारे घर के दरवाजे को जोर से खींच रहा है और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए और उस दरवाजे को बहुत तेजी से पुश करने लगे ताकि वो बंद हो जाए। तभी उसने अपना हाथ अंदर किया और मेरा हाथ पकड़ लिया, और जब उसने ऐसा किया तो मेरी चीख निकल गई। इतने में सार्थक ने उसके हाथ में बहुत जोर से काट दिया। ऐसा करने से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, पर हम बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे। हम दोनों ही भागते हुए ऊपर चले गए जहां हमारा रूम है, और हम दरवाजा बंद करना ही भूल गए। हम दोनों ही रोते और घबराते हुए ऊपर भागने लगे और अपने रूम में चले गए। वहां पर हमारा सीक्रेट रूम पहले से ही ओपन था, तो हम भागते हुए वहां ऊपर चले गए और सीढ़ियों को ऊपर ही ले लिया ताकि वो ऊपर ना सके, और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हमें उसके पैरों के चलने की आवाजें पूरे घर में आने लगी और वो हमें पूरे घर में ढूंढ रहा था और हमें धमकियां दे रहा था और बहुत हंस रहा था। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। हमने वही रूम पर कुछ जरूरत की चीजें ढूंढना शुरू किया। वहां पर हमें एक लंबी रस्सी और मिट्टी तेल और माचिस मिली। हमने देखा वही रूम पर एक खिड़की भी थी। हम उसी खिड़की से रस्सी के जरिए नीचे आ गए पीछे के दरवाजे से। जब मैंने देखा तो वो किचन में था। हमने पीछे ही कुछ हल्ला मचाया ताकि वो पीछे की तरफ आ सके हमारे पास। वो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। मैं और सार्थक पीछे ही छुप गए और वो भागते हुए और हंसते हुए हमारी तरफ आने लगा। जैसे ही वो हमारे पास आया, सार्थक ने उस पर मिट्टी तिल छिड़क दिया और मैंने तुरंत ही माचिस से उस पर आग लगा दी। वो बहुत जोर जोर से चीखने लगा और चीखते हुए वो जंगल की तरफ भाग गया। हम वापस घर के अंदर भाग गए और सारे दरवाजे लॉक कर दिए। हम बहुत ज्यादा डर रहे थे कि कहीं वो वापस ना आ जाए, लेकिन बहुत देर हो गई थी और वो वापस नहीं आया था, तो हम थोड़े शांत हो गए थे। थोड़ी ही देर के बाद मॉम डैड भी आ गए और वो हमारी हालत और घर की हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये सब होने की वजह से और नानी की तबीयत खराब होने की वजह से हम सब अगले दिन ही वापस चले गए।